पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ा ही नाम है। चौहान वंश में जन्मे पृथ्वीराज चौहान आखिरी हिंदू शासक थे। महज 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात दिल्ली और अजमेर का शासन संभाला और उसे कई सीमाओं तक फैलाया भी था, परंतु अंत में वे राजनीति का शिकार हुए और अपनी रियासत हार बैठे। परंतु उनकी हार के बाद कोई हिंदू शासक उनकी कमी पूरी नहीं कर पाया। पृथ्वीराज को राय पिथौरा भी कहा जाता था। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही एक कुशल योद्धा थे। उन्होंने युद्ध के अनेक गुण सीखे थे। उन्होंने अपने बाल्यकाल से ही शब्द भेदी बाण विद्या का अभ्यास किया था। धरती के महान शासक पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1149 में हुआ था। पृथ्वीराज अजमेर के महाराज सोमेश्वर और कपूरी देवी के संतान थे। पृथ्वीराज का जन्म उनके माता पिता के विवाह के 12 वर्षों के पश्चात हुआ। यह राज में खलबली का कारण बन गया और राज में उनकी मृत्यु को लेकर जन्म समय से ही षड्यंत्र रचे जाने लगे, परंतु वे बचते चले गए। मात्र 11 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज के सिर से पिता का साया उठ गया था। उसके बाद भी उन्होंने अपने दायित्व अच्छी तरह से निभाए और लगातार अन्य राजाओं को पराजित कर अपने राज का विस्तार करते गए। पृथ्वीराज के बचपन में मित्र चंद्रवरदाई उनके लिए किसी भाई से कम नहीं थे। चंद्रवरदाई तोमर वंश के शासक थे, अनंगपाल की बेटी के पुत्र थे। चंद्रवरदाई बाद में दिल्ली के शासक हुए और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के सहयोग से पिथौरागढ़ का निर्माण किया, जो आज भी दिल्ली में पुराने किले नाम से विद्यमान है। अजमेर की महारानी कपूरी देवी अपने पिता अंगपाल की एकलौती संतान थी, इसलिए उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनका शासन कौन संभालेगा। उन्होंने अपनी पुत्री और दामाद के सामने अपने दोहित्र को अपना उत्तराधिकारी बनाने की इच्छा प्रकट की। दोनों की सहमति के पश्चात युवराज पृथ्वीराज को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। सन 1166 के महाराज अंगपाल की मृत्यु के पश्चात पृथ्वीराज चौहान की दिल्ली की गद्दी का राज अभिषेक किया गया और उन्हें दिल्ली का कार्यभार सौंपा गया। पृथ्वीराज चौहान और उनकी पत्नी सहयोगिता का प्रेम आज भी राजस्थान के इतिहास में अभिसमरणीय है। दोनों ही एक दूसरे के बिना केवल चित्र देखकर एक दूसरे से प्यार से मोहित हो चुके थे। वही संयोगिता के पिता जयचंद्र पृथ्वीराज के साथ ईर्ष्या भाव रखते थे, तो अपनी पुत्री का पृथ्वीराज चौहान से विवाह का विषय तो दूर दूर तक सोचने योग्य बात नहीं थी। जयचंद केवल पृथ्वीराज को नीचा दिखाने का मौका ढूंढते रहते थे। ये मौका उन्हें अपनी पुत्री के स्वयंवर में मिला। राजा जयचंद ने अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर आयोजित किया। इसके लिए उन्होंने पूरे देश से राजाओं को आमंत्रित किया, केवल पृथ्वीराज चौहान को छोड़कर। पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के उद्देश्य से उन्होंने स्वयंवर में पृथ्वीराज की मूर्ति द्वारपाल के स्थान पर रखी, परंतु इसी स्वयंवर में पृथ्वीराज से संयोगिता का इच्छा से उनका अपहरण भारी महफिल में किया और उन्हें भगाकर अपनी रियासत ले गए और दिल्ली में आकर दोनों ने पूरी विधि से विवाह संपन्न हुआ। इसके बाद राजा जयचंद और पृथ्वीराज के बीच दुश्मनी और बढ़ गई। पृथ्वीराज की सेना बहुत ही विशालकाय थी, जिसमें 300,000 सैनिक और 300 हाथी थे। कहा जाता है कि उनकी सेना बहुत ही अच्छी तरह संगठित थी। इसी कारण इस सेना के बूते उन्होंने कई युद्ध जीते और अपने राज का विस्तार करते चले गए, परंतु अंत में कुशल घुड़सवारों की कमी और जयचंद की गद्दारी और अन्य राजपूत राजाओं के सहयोग के अभाव में हुए मोहम्मद गौरी से दूसरा युद्ध हार गए। पृथ्वीराज और गौरी का प्रथम युद्ध अपने राज के विस्तार को लेकर पृथ्वीराज चौहान हमेशा सजग रहते थे और इस बार अपने विस्तार के लिए उन्होंने पंजाब को चुना था। इस समय संपूर्ण पंजाब पर मोहम्मद सबुद्दीन गौरी का शासन था। वो पंजाब के ही बठिंडा में अपने राज पर शासन करता था। गौरी से युद्ध किए बिना पंजाब पर शासन नामुमकिन था, तो इसी उद्देश्य से पृथ्वीराज ने अपनी विशाल सेना को लेकर गौरी पर आक्रमण कर दिया। अपने इस युद्ध में पृथ्वीराज ने सर्वप्रथम हांसी, सरस्वती और सरहिंद पर अपना अधिकार किया, परंतु इसी बीच
अनहिलवाड़ा में विद्रोह हुआ और पृथ्वीराज को यहाँ से जाना पड़ा और उनकी सेना ने अपनी कमान खो दी और सरहिंद का किला भी खो दिया। अब जब पृथ्वीराज अनहिलवाड़ा के वापस लौटे तो उन्होंने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। युद्ध में केवल वही सैनिक बचे थे जो मैदान में भाग खड़े हुए। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी भी अपने अधमरे हो गए, परंतु उनके एक सैनिक ने उनकी हालत को अंदाजा लगाते हुए उन्हें घोड़े पर डालकर अपने महल ले गया और उनका उपचार कराया। इस तरह ये युद्ध परिणामहीन रहा। ये युद्ध सरहिंद किले के पास तराइन नामक स्थान पर हुआ, इसलिए इसे तराइन का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध में पृथ्वीराज ने लगभग 7 करोड़ रुपए की संपदा अर्जित की, जिसे उन्होंने अपने सैनिकों में बांट दिया। अपनी पुत्री संयुक्ता के अपहरण के बाद राजा जयचंद ने मन में पृथ्वीराज की कुर्ता बढ़ती चली गई तथा पृथ्वीराज का अपना दुश्मन बना लिया। पृथ्वीराज के खिलाफ अन्य राजपूत राजाओं को भी भड़काने लगा। जब से मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के युद्ध के बारे में पता चला तो वो पृथ्वीराज के खिलाफ मोहम्मद गौरी के साथ खड़ा हो गया। दोनों ने मिलकर 1192 पुनः पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया। ये युद्ध भी तराई के मैदान में हुआ। युद्ध के समय जब पृथ्वीराज के मित्र चंद्रबदाई ने अपना राजपूत राजाओं की मदद मांगी तो संयोगिता के स्वयंवर में हुई घटना कारण उन्होंने भी उनकी मदद से इनकार कर दिया। ऐसे में पृथ्वीराज चौहान अकेले पड़ गए और उन्होंने अपने 3 लाख सैनिकों के साथ गौरी की सेना पर आक्रमण कर दिया। क्योंकि गौरी की सेना अच्छे घुड़सवार थे, उन्होंने पृथ्वीराज की सेना को चारों ओर से घेर लिया। ऐसे में वो न आगे बढ़ पाए और न पीछे हट पाए और जयचंद की गद्दार सैनिकों ने राजपूत सैनिकों का संहार किया और पृथ्वीराज की हार हुई। युद्ध के बाद पृथ्वीराज और उनके मित्र चंद्रबदाई को बंदी बना लिया गया। राजा जयचंद को भी उनकी गद्दारी का परिणाम मिला और उसे भी मार डाला गया। अब पूरे पंजाब, दिल्ली, अजमेर और कन्नौज में गौरी का शासन था। इसके बाद कई राजपूत शासक भारत में अपना राज लाकर अपनी वीरता साबित किया। गौरी युद्ध के पश्चात पृथ्वीराज को बंदी बनाकर उनके राज ले जाया गया। वहां उन्हें यातनाएं दी गई तथा पृथ्वीराज की आंखों को लोहे की गर्म सरिया से जलाया गया। इससे वे अपनी आंखों की रोशनी खो बैठे। जब पृथ्वीराज से उनकी मृत की पहली आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने भरी सभा में अपने मित्र चंद्रबदाई के शब्दों पर शब्द भेदी बाण का उपयोग करने की इच्छा प्रकट। इसी प्रकार चंद्रबदाई द्वारा बोले गए दोहे का प्रयोग करते हुए उन्होंने गौरी की हत्या भरी सभा में कर दी। इसके पश्चात अपनी दुर्गति से बचने के लिए दोनों ने एक दूसरे की जीवन लीला समाप्त कर दी। और जब संयोगिता ने यह खबर सुनी तो उसने भी अपना जीवन लीला समाप्त कर लिया।